नमस्कार दोस्तों, आप सभी के इन्वेस्टिंग क्लब में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको वेन के थापा द्वारा लिखी हुई बुक द सुपर ट्रेडर उसके बारे में बताएंगे कि इन्वेस्टर जो है वह दो तरह के रहते हैं, एक होता है एवरेज इन्वेस्टर और एक होता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। दोस्तों, आप किस कैटेगरी में आते हैं इसके बारे में जानने के लिए आपको जो है कुछ सवाल के जवाब जो है वह पता होना चाहिए। अगर आप इन सवालों के जवाब जो है अगर आपको मिल जाते हैं तो आप पता कर सकते हैं आप एक एवरेज इन्वेस्टर है या फिर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप अपने जो ट्रेडिंग और या इन्वेस्टमेंट करते हैं आप इसे किस तरीके से मानते हैं, अगर आप इसे एक बिजनेस की तरह मानते हैं या फिर इसे एक केवल पार्ट टाइम की तरह देखते हैं। दोस्तों, अगर आप इसे एक बिजनेस की तरह मानते हैं तो आप इसके लिए एक बिजनेस प्लान प्रॉपर अटेंशन के साथ जो है आप इसे करेंगे, और अगर आप इसे एक पार्ट टाइम मानेंगे तो इसे आप उसी तरीके से ट्रेड करेंगे और कभी शेयर मार्केट से पैसा जो है वह नहीं कमा पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि आपके पास अगर आप इसे एक बिजनेस की तरह मानते हैं जो ट्रेडिंग है उसको, तो क्या आपके पास एक बिजनेस प्लान है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को करने के लिए एक प्लान की ज़रूरत जो है वह होती ही है। आप किसी भी बिजनेस को देख लीजिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, समोसे बेचने वाला हो या फिर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, सबके पास अपना बिजनेस प्लान जो है वह पहले से रेडी रहता है। क्या आपके पास आपको बिजनेस प्लान जो है वह पता है? अगर नहीं पता है तो आप एक जो है एवरेज इन्वेस्टर ही हैं। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन जो है जो आपको पता करना चाहिए, क्या आप जो मिस्टेक कर रहे हैं वह गलतियां जो है आप हर दिन करते हैं या फिर हर दिन उसमें कुछ नया करते हैं? दोस्तों, अगर आप सेम मिस्टेक को हर दिन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप एक एवरेज इन्वेस्टर है, आप अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहे हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ जो काम आती है वह है आपकी गलतियों से सीखना। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आप कभी एक सफल ट्रेडर जो है वह नहीं बन पाएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी गलतियों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है वह उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। जैसे मान के चलिए, अगर आप कोई ट्रेड कर रहे हैं और उसमें जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको इस बात का आकलन करना है कि वह स्टॉप लॉस जो है वह हिट क्यों हुआ, क्या यह मार्केट की वजह से हुआ या आपकी गलतियों की वजह से हुआ। अगर आपकी गलती की वजह से हुआ है तो आपको इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या पहले से ट्रेड जो है वह कम कर सकते हैं या पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हैं, इन सब का बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो पांचवी चीज़ है कि आपके पास जो है एक टेस्टेड ट्रेडिंग सिस्टम है कि नहीं है। दोस्तों, कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम जो है वह हर मार्केट में काम नहीं करता है। आपके पास जो ट्रेडिंग सिस्टम है वह हर मार्केट में काम करता है या नहीं करता है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है कि नहीं है, ये पहले पता होना चाहिए। उसके बाद जो है उसको टेस्ट आपने किया है कि नहीं किया है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इसे टेस्ट नहीं किया है तो आप एक एवरेज इन्वेस्टर हैं। इसके बाद जो छठवीं चीज़ आती है कि आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है जिसे आपने टेस्ट भी कर लिया है और मार्केट में अप्लाई भी कर रहे हैं, आपने उसे हर तरह के मार्केट में ट्राई किया है कि नहीं किया है। दोस्तों, मार्केट जो है वह तीन तरह की होती है। एक होता है अप ट्रेंड, जिसमें सारे शेयर जो है वह ऊपर चलते रहते हैं। एक होता है डाउन ट्रेंड, जिसमें सभी शेयरों में गिरावट आती है। और एक होता है साइडवे, जिसमें कुछ शेयर में थोड़ी तेज़ी देखने को मिलती है, कुछ में मंदी, लेकिन जो है शेयर जो है एक रेंज में जो है वह तय करता रहता है। आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वह किस तरह के मार्केट में अच्छा काम करता है और किस तरह के मार्केट में नहीं करता है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इसके बाद जो सातवीं चीज़ है कि अभी आप जो उस मार्केट में काम कर रहे हैं वह किस तरह का मार्केट है, इसके बारे में पता करना। क्या आपको पता है कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है वह किस तरह की मार्केट है? अगर वह अप ट्रेंड में है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप कौन से शेयर को खरीदेंगे, कौन से शेयर को बेचेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब आप कौन सा स्टेप करेंगे, मार्केट साइड पेज है तो आप कौन सा करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका अगला पार्ट जो है वह जल्दी ही आएगा।